भारतीय जनता पार्टी तफसिली जाति मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश कमिटी पक्ष के जे प्रेस कन्फारेंस करते जा सबा जान दूदिन सफरे सर्वभारतीय तफसिली जाति मोर्चार साधारण सम्पादक तथा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर शहर माननीय सांसद डॉक्टर बोला सिंह जी हमारे त्रिपुराते एस कारण आज के त्रिपुरा प्रदेश कमिटी एस तफसिली जाति मोर्चार कार्यकारिणी बैठक छिले बैठके उद्देश्य उन्नी आसा कीभावे संगठन के शक्तिशाली करा जाए बूथ स्तर पर्यंत संगठन शक्तिशाली करार जन्य उन्नी किछु दिशा निर्देश देखिए दुदिन सफरे माननीय साधारण सम्पादक डॉक्टर बोला सिंह जी जे जे कार्यक्रमगुलोते अंशग्रहण करेछेन ए समस्त विषयगुलो निये आज के आपनादेर सामने प्रेस कन्फारेंस करबेन एवं भारत सरकार राज्य सरकार जो अचिवमेंट निये आपनादेर सामने विशेष विस्तारित आलोचना राखबेन। आमादेर सामने ए कन्फारेंसे जुक्त संगे रयेछेन चार बरजलार माननीय विधायक डॉक्टर दिलीप कुमार दास महोदय आमादेर सामने आरेकजन विधायक रयेछेन तीन बामुटिया विधानसभा माननीय कृष्णधन दास महोदय आमार बापासे रयेछेन कल्याणपुर विधानसभा माननीय विधायक पिनाकी दास चौधरी महोदय एखन आपनादेर सामने विशेषभावे तुले धरबेन आमादेर सर्वभारतीय साधारण सम्पादक डॉक्टर भोला सिंह जी। सभी के लिए मेरा नमस्कार। इस भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति में मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री तूतन दास जी और अपने बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का आज प्रदेश स्तर कार्य समिति आयोजित किया गया है और इस कार्य समिति में आगामी कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की क्या क्या कार्य योजना, संगठनात्मक कार्य योजना और सरकार के कार्यों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक क्रियान्वयन की योजना इस बैठक में तय हुई और इसमें और भी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2018 में त्रिपुरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना दलितों के लिए बनाई गई थी 2014 में सरकार आने के बाद, उन योजनाओं का 2018 से पहले त्रिपुरा के प्रदेश के गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, महिलाओं को उनका लाभ नहीं मिला था। लेकिन 2018 के बाद जिस तरीके से उन योजनाओं के क्रियान्वयन में और उनको लाभ मिलने में तेज गति से वृद्धि हुई है वो वास्तव में सराहनीय है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो वास्तव में इस प्रदेश में बदलाव की तरफ प्रदेश को लेके जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ भी हैं, जन कल्याणकारी योजनाएँ भी हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे त्रिपुरा प्रदेश की सरकार के द्वारा ये दलित समुदाय के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजना शुरू की गई हैं, जिसमें अगर 2018 से लेकर 2019-2020-2021 के लिए अपने सरकार ने स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो खासकर स्टूडेंट एससी स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें 79.34 लाख रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट 19,833 स्टूडेंट को 2018-19 में हुआ है। 2019-20 में 25,129 स्टूडेंट को लाभ मिला है। 2020-21 में 21,411 स्टूडेंट्स को लाभ मिला है और इसी में जो प्री मैट्रिक दूसरी योजना है उसमें 2,459 लोगों को लाभ मिला है, दूसरे में 11,526 को लाभ मिला है, तीसरे में 2021 में 7,756 स्टूडेंट को लाभ मिला है। पोस्ट मैट्रिक में हमें 15,769 लोगों को लाभ मिला है, 2021 में 19,911 स्टूडेंट को लाभ मिला है
और इसमें एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल अवार्ड है, इसमें भी 6982 स्टूडेंट को लाभ मिला, 9334 स्टूडेंट को लाभ मिला, 8189 स्टूडेंट को लाभ मिला। इसके अलावा जो दलित छात्राएं हैं उनके लिए हमारी सरकार ने हॉस्टल्स दो नए हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। जो नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स हैं उसमें बीएड में 68 स्टूडेंट को लाभ मिला है सरकार की तरफ से, डीलिट में 18 स्टूडेंट को लाभ मिला है, पैरामेडिकल में 23 को मिला है। ऐसे ही अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अगर और हम बात करें तो जो किसान हैं हमारे, किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो पिगरी सुविधा है, इसमें पिगरी में 2019-20 का जो डाटा हमारे पास है इसमें 174 बेनिफिशरी को लाभ मिला है, और ये अपने पास जो डाटा है वो 36,54,000 रुपये का 100% SC को बेनिफिट मिला है। गोटरी में बेनिफिट मिला है 11,48,000 का। ऐसे ही अपने डकरी में मिला है, पोल्ट्री में मिला है, और मिनी डेयरी फार्मिंग में 10,80,000 का फ़ायदा मिला है, 53,38,400 रुपये की सब्सिडी इसमें दी गई है, और अनेकों बेनिफिट इसके माध्यम से दिए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए जो अपने मछली पालन करते हैं, 87,000 हेक्टेयर ज़मीन मछली पालन के लिए सरकार ने दी है, जिसका 118 करोड़ रुपए मछुआरों के लिए विकसित करने के लिए राशि शुरू की है। इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, 2,31,000 किसानों को इसका लाभ मिला है, और पहली बार इस त्रिपुरा प्रदेश में जो छोटे किसान धान पैदा करते हैं उस धान को MSP पर खरीदा गया। इससे पहले 35 साल त्रिपुरा प्रदेश में CPIM की सरकार रही, वो CPIM जो आज किसान आंदोलन में यहाँ से जाके अपना सहयोग करती है, उसने आज तक 1 किलो धान किसान का MSP रेट पर नहीं खरीदा होगा। इसके अलावा जो पाइन एप्पल यहाँ का अच्छा सबसे ज़्यादा पैदावार वाला फल है, वो आज विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के छोटे किसानों के लिए त्रिपुरा से दिल्ली के लिए एक किसान रेल सेवा भी पिछले उसमें शुरू हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5,96,000 से अधिक परिवारों को जो कोविड महामारी आई है उसमें राशन वितरण किया गया है, और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का 21,26,208 लोगों को पहला डोज लग चुका है, 6,82,453 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है, और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री विप्लव देव जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य सेवा हैं उनमें जमीनी स्तर पर सुधार हुआ है। इससे पहले अगर किसी ज़िले में किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती थी तो उसको अगरतला में ही आना पड़ता था, आज हर जिला अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर की व्यवस्था हमारी सरकार ने कराई है, हर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना है उसका लाभ यहाँ पे 4,59,948 लोगों को इसके कार्ड मिले हैं, जिसमें से 96,444 लोगों ने अपना इलाज करके इसका लाभ लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में आवास का है, स्वच्छ भारत में शौचालय का है, और जो व्यवस्था है यहाँ की वो बहुत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व में माननीय मोदी जी की जो दलितों के लिए जन कल्याणकारी योजना है उनका सीधा सीधा लाभ त्रिपुरा के दलितों को मिला है। लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग बहुत समर्थन प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कर रहे हैं, और मैं आप सबके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरीके से 3 साल के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक परिवर्तन केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने का किया है, जिसका महिलाओं को लाभ मिल रहा है, दलितों को लाभ मिल रहा है, गरीबों को लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद।
आपकी दो दिवसीय दौरा में आपने अनुसूचित जाति के लिए जो जो प्रकल्प लागू किया है उस विषय पे आपने से जायजा लिया है, क्या स्थिति है अभी पिछड़ा? देखिए, मैं दो दिन से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में और वहाँ के नागरिकों के बीच में हूँ। जो मैंने योजनाएं आपको बताई, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन वितरण का है, चाहे आपका जो फिशरीज का डेवलपमेंट के लिए दिया वो है, चाहे स्वास्थ्य सेवा है, चाहे ये जितनी भी सेवाएं हैं, उसका 80% लाभ त्रिपुरा में SC समुदाय को मिल रहा है। SC समुदाय का जो उत्थान, जो विकास इन 3 सालों में देखने को मिला है, वो पहले कभी हुआ नहीं। और मुझे जो जानकारी मिली कि पहले जो CPIM की गवर्नमेंट यहाँ पर थी तो महिलाओं से, युवाओं से, दलितों से, उनसे वसूली की जाती थी, लेकिन 3 साल में वो वसूली बंद हुई है। कोई किसी तरीके का सरकार के प्रतिनिधि पे, किसी उस पे कोई किसी तरह का एलिगेशन नहीं है। और ईमानदारी के साथ में जो माननीय मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का उद्देश्य है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए अहम भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें है, तो इसके लिए वास्तव में सराहनीय है। और अभी मैं धन्यवाद भी दूंगा आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लिए पहली बार एक मंत्री यहाँ से, त्रिपुरा स्टेट से, जहाँ से मात्र 2 सांसद हैं, केंद्रीय नेतृत्व में उनका प्रतिनिधित्व त्रिपुरा राज्य का किया है। और विशेष पैकेज त्रिपुरा के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए केंद्र सरकार का है। खुशी की बात यह है कि उस पैकेज का स्टेट में गवर्नमेंट बनने से 100% उसका क्रियान्वयन हो रहा है। आज 90% एवं लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जो सरकार उसमें लगा रही है कोरोना महामारी से। एक बात ये है कि अभी भी त्रिपुरा में 2018 सबके पास नया सरकार बना है, अभी भी मतलब अनुसूचित जाति की मंत्री कोई भी यहाँ पर मंत्री में मतलब नहीं दिया, इस विषय में आपने बात की? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व को और यहाँ की प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के नेतृत्व को, पार्टी को, कि जो यहाँ के स्पीकर हैं विधानसभा के, वो दलित समाज से हैं और स्पीकर की पावर मंत्री से कई गुना अधिक पावर होती है। तो स्पीकर हैं दलित समाज से, दलित समुदाय का स्पीकर होना एक बहुत बड़ी बात है। और स्पीकर कंट्रोल करता है पूरी विधानसभा को, पूरे मंत्रियों को, पूरे उसको, तो ये एक सराहनीय कार्य सरकार का है।